आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आज रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड का पोस्टिंग किधर किधर होगा और एडजस्टमेंट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये दो चीज़ें हम देखने वाले हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। यह हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड है। यहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे, कोई कौन सा आइटम किधर किधर ट्रांसफ़र होगा। तो पहला टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड कैश इट बैंक। अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि हमें कैपिटल फंड दिया है क्या, तो हम इसके लिए हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे चेक कर रहे हैं कि कैपिटल फंड हमें नहीं दिया है, तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए हमें पिछले साल के सारे डिटेल्स लगेंगे, तो वो डिटेल्स भी हम क्या करेंगे, टिक कर लेंगे, वो डिटेल्स भी हम लिख लेंगे। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड कैश इन बैंक, तो ये हमारा पिछले साल का कैश है इन हैंड है और कैश इन बैंक है, तो ये ओपनिंग एसेट में जाएगा। उसके बाद टू लॉकर रेंट, टू लॉकर रेंट, जैसे हमें पता है कि रिसीप्ट साइड में हमें सिर्फ दो चीज़ें मिलने वाली हैं, एक हमें इनकम मिलेगा और एक हमें लायबिलिटी मिलेगी। पेमेंट साइड में हमें एक्सपेंस मिलेगा और हमें एसेट मिलेगा, ये दो चीज़ हमें पेमेंट साइड से मिलने वाली है। तो लॉकर रेंट एक तरीके का अपना रेंट है, तो ये एक हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। मतलब कम भारतीय कला केंद्र ने लॉकर रेंट जो है भाड़े पे दिया था, तो उसका वो इनकम आया। इंट्रेंस फीस, अगर इंट्रेंस फीस के बारे में कुछ डिटेल नहीं दिया है तो इसे कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। इसके बाद जब टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर सेल हो गया है तो इससे भी क्या आया, इनकम आएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये इनकम में जाएगा। रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, ड्रामा से हमें क्या मिला, कुछ इनकम आया है, कुछ ड्रामा करवाया है कला केंद्र ने, भारतीय कला केंद्र ने, तो उससे उनको इनकम आया है, तो आई। लिगेसीज, पिछले वीडियोस में बताया है कि लिगेसीज क्या होता है, कि एक विल होता है जो ओनर अपने विल में लिख के जाता है कि मेरे डेथ के बाद इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मेरे प्रॉपर्टी का इतना पैसा दिया जाएगा। तो इसीलिए अगर इसके बारे में कुछ डिटेल्स नहीं दिए तो इसे हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। और इसके बारे में जो भी डिटेल्स है हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलेगी, और इंट्रेंस फीस के बारे में भी जो भी डिटेल्स हमें इंट्रेंस एडजस्टमेंट में मिलेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलेगा, वो हम बाद में देखेंगे। या अगर फिलहाल कुछ भी नहीं दिया है तो हमें उसे कैपिटल फंड में ऐड करना है। टू इंट्रेंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो इनकम में जाएगा। मिसलिनियस रिसीप्ट, ये भी इनकम में जाएगा। स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी, ये एक्सपेंस, यहाँ पे एक्सपेंस, ये एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे स्टेशनरीज खरीदी होगी, दी होगी, तो वो एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज किया है तो इससे फर्नीचर परचेज किया है, तो ये हमारा एसेट साइड में चला जाएगा, करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, भारतीय कला केंद्र ने इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 14,000 का, तो ये भी एसेट में चला जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, ड्रामा करने के लिए एक्सपेंस लगा है, वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस।
पोस्टेज ये भी एक्सपेंस में चला जाएगा। किसी को लेटर वगैरह पोस्ट किया है, किसी को ऑफिशियल लेटर पोस्ट किया है तो उसका खर्चा, या स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो की है तो उसका खर्चा है तो एक्सपेंस में चला जाएगा। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर खरीदा है तो इसका खर्चा एक्सपेंस में चला जाएगा। सैलरी ये भी एक्सपेंस में चला जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन कैश इन हैंड कैश इट बैंक, यह हमारा करंट ईयर के एसेट में चला जाएगा, एसेट में लिख देंगे इसको। अब हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहला हमें दिया है लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड, हमें बोला है लेगेसी जो दिया है वो कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना है मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो हम लोग ने ऑलरेडी इसको कैपिटल फंड में ऐड करने के लिए लिख दिया है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी दी होती तो भी हम कैपिटल फंड में उसको ऐड करते ही थे, ठीक है। दूसरा हमें दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपीज़, आउटस्टैंडिंग सैलरी जैसे कि हम फाइनल अकाउंट में करते थे वैसे यहाँ पे भी करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी को। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू सैलरी, सैलरी में इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सैलरी पे टिक करना होगा, सैलरी पे टिक कर देते हैं। और लीगेसीज पे हमें कैपिटलाइज करने बोला है तो ये इसके लिए हमने कैपिटल फंड दिया होता है तो हम उस पर क्या करते थे टिक करते थे, क्योंकि ये अमाउंट उसमें ऐड होने वाला है कैपिटल फंड में। अभी तो हम लोग ने कैपिटल फंड निकाला नहीं है तो इसके लिए फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रखेंगे। 50% ऑफ इंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, अभी हमें क्या बोला है इंट्रेंस फीस जो है 50% ही कैपिटलाइज करना है, हमें पूरा कैपिटलाइज नहीं करना है। तो यहाँ पे हम इंट्रेंस फीस देखेंगे तो हम लोग ने कैपिटल फंड में ऐड करने के लिए दिया है तो इसका मतलब इसमें एक एडजस्टमेंट है, इधर पे टिक कर देंगे। और यहाँ पे तो 50% ही कैपिटल फंड में ऐड करेंगे और बाकी का जो बचा हुआ है वो हम क्या करेंगे इनकम साइड में लिखेंगे। तो इसका इफेक्ट देख लेते हैं हम, 50% इंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड 50% ऑफ इंट्रेंस फीस, इंट्रेंस फीस का 50% क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और दूसरा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड एड टू 50% इंट्रेंस फीस टू कैपिटल फंड, 50% फीस हम लोग क्या करेंगे कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर दिया है, इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट की पोस्टिंग होगी। आपको इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन समझाने की कोशिश की है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे किसी और को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।